हेलो एवरीवन, क्या आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको जिस तरीके का रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा? तो ऐसे में हमें अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ज़रूरत है देखने की कि क्या हम कुछ गलतियाँ कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिसके वजह से जो रिजल्ट मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ हमने 5 मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो जनरली बच्चे करते हैं, जिनके वजह से इवन दो दे वर्क हार्ड, इवन दो वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, उन्हें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। तो सबसे पहले बच्चे ये करते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को उन्होंने स्टार्ट कर दिया विदाउट इवन एनालाइजिंग द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो आपने सिलेबस ढंग से नहीं देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से एनालाइज नहीं किए, किसी टॉपर की बुक लिस्ट आपको मिल गई, किसी की बुक लिस्ट आपको मिल गई, किसी ने आपको कह दिया कि ये बुक्स आप फॉलो करो, तो आप वो बुक्स पढ़ने बैठ गए, राइट? तो ऐसे में ये होता है कि जब हम इस तरीके से रैंडमली बुक्स पिकअप करके पढ़ने लगते हैं, अपनी प्रिपरेशन को हम लिमिट नहीं कर पाते हैं। जो रेंज है हमें किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है वो रेंज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, राइट? तो सिलेबस हमें ये बताता है कि किसी टॉपिक में हमें कितना पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मॉडर्न इंडिया, या फिर किसी भी टॉपिक को आप ले लीजिए, साइंस का टॉपिक ले लीजिए, बहुत डेप्थ है उसमें। बट देन जब हमें सिलेबस नहीं पता होता, हम उस डेप्थ को और उस रेंज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जिसमें हमें इस प्रिपरेशन को करना है, राइट? इस वजह से अपनी बुक लिस्ट को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, उसके हिसाब से हमें अपनी बुक लिस्ट चुननी है। वरना तो आपके साथ यही होगा कि आप बार बार एक बुक पढ़ रहे हैं, नई वीडियो आई, नई नया किसी ने कुछ कह दिया, आपने बुक लिस्ट चेंज कर दी, राइट? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। जब आपको पता है कि आपने एनालिसिस अच्छे से किया है सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, आप अपनी बुक लिस्ट बार बार इस तरीके से चेंज नहीं करेंगे, राइट? और एक मिस्टेक ये देखी गई है कि हम नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तभी से आप नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें होता ये है कि जब हम किसी टॉपिक को पहली बार पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में से क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेरे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे नोट डाउन करने चाहिए, वो हम सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उस टॉपिक को सही से समझ नहीं पाते हैं पहली रीडिंग में, राइट? तो तभी अगर आप नोट प्रिपेयर करना शुरू कर दें तो जो बुक आप पढ़ रहे हैं उसी के सामने एक और बुक आप लिख देंगे और बाय द एंड आपको ये लगेगा कि आपकी सारी मेहनत बेकार गई। ओके, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। प्रोबेबली बाय द थर्ड रीडिंग, तो सेकंड फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें जो है हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और सेकंड रीडिंग में आप ये देख सकते हैं कि इस हाईलाइट और अंडरलाइनिंग में और क्या कम किया जा सकता है और क्या इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो मेरे पूरे सोर्स को, मेरे नोट को जो है लिमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1/10 रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी हमारे जो है पेजेस हैं बुक के उसमें से 1/10 का आपको नोट्स बनाना। फॉर एग्जांपल 300 पेजेस की कोई बुक है तो जस्ट इन 30 पेजेस यू ट्राई टू कंप्लीट, आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए अपने नोट्स को, एंड बाय द थर्ड रीडिंग प्रोबेबली आप स्टार्ट करिए, राइट? तो ये एक कॉमन मिस्टेक देखी गई है। इसी तरीके से कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने टॉपिक से। फॉर एग्जाम्पल आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं उसमें आप ये जो हमारा टॉपिक है रानी लक्ष्मीबाई और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है 1857 का, उससे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट दिखाते हैं, तो इस टॉपिक को बहुत ही डीपली पढ़ने लग जाते हैं, उसी में बह जाते हैं और फिर उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेट होने लगती हैं चीज़ों को, आप नेक्स्ट डे पे छोड़ देते हैं, राइट? तो ये हमें नहीं करना है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है। अगेन जो फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिलेबस को आप देखिए और उसके हिसाब से जितना आपका रेंज है उस रेंज तक ही आपको पढ़ाई करनी है। इमोशनल अटैचमेंट आप अवॉइड करिए विद द टॉपिक्स।
और इसी तरीके से जब भी आप पढ़ने बैठे तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आपको चीजें कल पर नहीं छोड़नी है। ओके, कहा जाता है देयर इज नो टुमारो, टुमारो नेवर कम्स, राइट। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो उसे आइडेंटिफाई करिए और इसे सही करिए, इमोशनल अटैचमेंट ना हो, प्रोक्रेस्टिनेशन चीजों का ना हो, राइट। और एक चीज ये देखी गई है कि हम हमेशा ये करते हैं कि पूरी सिलेबस कंप्लीट होने दो तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा। ओके, तो जो भी आपके मॉक टेस्ट है वो सिलेबस कंप्लीशन के बाद देना लोग चाहते हैं। इससे ये होता है कि एक तो ये चीज है कि सिलेबस पूरी तरीके से परफेक्टली जैसा आप चाहते वैसा कंप्लीट करना ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कम टाइम रहता है फॉर द प्रिपरेशन, और इससे हम चीजों को जो है नियर द एग्जाम जब आ जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, राइट। तो नियर द एग्जाम कई लोग 20 दिन पहले 10 दिन पहले ड्रॉप कर देते हैं, कहते हैं कि ये इस बार नहीं अगले बार देना है। सबके साथ होता है, ट्रस्ट मी, इवन टॉपर के साथ ये चीज होती है। बट इस स्टेप तक जाने में ये एक चीज है जो आपको हेल्प करती है। तो मॉक टेस्ट आपको आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस नहीं, आपको थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर स्टडी करते रहना है। एक टॉपिक कंप्लीट हो उसके बाद आप जो है टेस्ट दीजिए। इवन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड, आप एक लिमिट दे दीजिए कि 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या फिर 3 महीने पहले मुझे मॉक टेस्ट देना शुरू करना है, राइट। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान देनी होगी, और अगर ये नहीं किया तो यू मे लैंड अप हियर, जहां पर आप जो है बहुत ज्यादा एग्जाम से पहले डिमोटिवेटेड हो और आप इस बार के अटेम्प्ट को ही ड्रॉप करना चाहे, राइट। तो ये हमें नहीं करना है। बहुत ज्यादा लोग ये करते हैं चाय पे चर्चा, तो इसमें हमें बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं होना है। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते हुए हमें ये लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब इस ज्ञान को बांटा जाए, तो वो हमें नहीं करना है। ज्ञान को अपने तक सीमित रखिए, अपने यूज के लिए उस ज्ञान को जो है यूज करिए, अपने लिए उस ज्ञान को यूज करिए। चाय पे चर्चा में जाने पर कई बार कई सारे डिबेट्स में हम लग जाते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स में हम लग जाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमारा होता है, एक तो मेंटली, साथ ही साथ हमारा टाइम जो एक प्रोडक्टिव चीज़ में लगना चाहिए था वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के चाय पे चर्चा को अवॉइड करिए और साथ ही साथ अपने प्रिपरेशन को ऐसे ऑन ट्रैक रखिए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। इस तरह से एक अनहेल्दी वे में हमें पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई होगी नहीं, राइट। बुक लिस्ट जो है, बुक जो है उन्हें हमें लिमिट करना है, साथ ही साथ अपने हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी आपकी हेल्थ खराब हुई तो 5 days, 10 days का आपको पूरा जो है पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तो आप आइडेंटिफाई करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सोचिए और देखिए कि कहीं आप इसमें से कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आइडेंटिफाई, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।